बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शगुफ्ता परवीन, वेलकम टू माय चैनल मनी सेविंग। आज की वीडियो एक और होम डेकोर आइडिया के साथ, जिसे मैंने कार्डबोर्ड यूज़ किया है, मिरर यूज़ किए हैं, स्मॉल मिरर और एक थोड़ा सा बड़ा। इसको बनाने के लिए मैंने, ये मेरे पास स्क्वायर कार्डबोर्ड का पीस था जिसको गुलाई में काट ली थी, सेंटर में जो है वो ये स्टिक रख के मैंने इसका सेंटर ले लिया, लाइन ड्रा कर ली है। ठीक है, अब कटर की मदद से जो है वो हम इसको काट लेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा मजबूत और हार्ड सा कार्डबोर्ड है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको काटने से। तो ये मैंने काट लिया है इसको, और अब मैं अपनी स्टिक से जो है वो इसके इर्द गिर्द इस तरीके से लगाते हुए फिर गुलाई में बराबर स्पेस में स्टिक लगेंगी। अगर हम एक ही साइड पर जो है वो अपनी स्टिक जो है लगाना शुरू कर देंगे तो फिर स्पेस एक जैसी नहीं आती। इस वजह से मैंने इसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करके इसमें स्टिक्स अप्लाई किए हैं। पहले एडजस्टमेंट की है स्टिक्स की, ताकि उनकी स्पेस वगैरह सारा एक कितना है, फासला एक कितना है, मुख्तलिफ हिस्से बना के, चार हिस्से बना के फिर उन चार हिस्सों के अंदर अंदर कितनी स्टिक्स आती हैं, स्पेस मैनेज करते हुए स्टिक्स लगा के आप देख ही रही हैं। तो फिर मैंने इनके ऊपर ग्लू अप्लाई की है। ठीक है, तो ये इस तरीके से सारी स्टिक्स जो है वो मैं अपने मिरर पे अटैच कर लूँगी ये सारी। तो आप भी इसी तरह आसानी के साथ जो है वो इसको इस पर अटैच कर सकते हैं। इसमें मैं कलर करूँगी गोल्डन कलर। आप चाहें तो बगैर कलर के भी यूज़ कर सकती हैं, और चाहें तो इसके अंदर डबल कलर भी लगा सकते हैं। ये पहले मैंने इनकी स्पेस मैनेज की है, फिर मैंने इसके साथ ग्लू अटैच की है। ठीक है, ये अब ग्लू से लगा रही हूँ सारी स्टिक्स, जगह सेट करने के बाद फिर उसी स्टिक को वहाँ से उठाया और लगा दिए। लो अब ये गोल्डन कलर अप्लाई कर रही हूँ, ये पोस्टर कलर में यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। तो ये सारा पोस्टर कलर मैंने कर लिया स्टिक्स पे भी और कार्डबोर्ड पे भी। आप चाहें तो कार्डबोर्ड का एरिया जो है उसे किसी और कलर से बिटाई कर सकते हैं, और स्टिक्स के ऊपर चाहें तो आप कलर ना करें। ठीक है, ये मैंने इसको हैंग करने के लिए एक रिबन की स्ट्रिप ऐड की है, इसके साथ मजबूती के साथ लगाई है, जिससे हम दीवार के साथ इसे हैंग करेंगे। और अब इसको डेकोर करने के लिए मैं इसमें मिरर ऐड करूँगी, छोटे मिरर जो है वो अप्लाई करेंगे कोने के साथ। तो ये सारा इसी तरीके से मुख्तलिफ साइज़ के मिरर को यूज़ करते हुए ये सारा मैं भर दूँगी इस मिरर को, ताकि ये हमारा प्यारा सा सिंपल सा इजी सा और कम खर्च में प्यारा सा मिरर रेडी हो जाएगा हमारा। जो मैंने मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आई हैं, अभी देख रही हैं वीडियो और मज़ीद होम डेकोर के हवाले से वीडियो देखना चाहती हैं और उन्हें मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके। ये मैंने दो सर्कल दिए हैं, मैंने बिल्कुल छोटे ज़ीरो साइज मिरर इसके है साइडों पे जो है वो अप्लाई कर रही हूँ, ताकि ये थोड़ा भरा भरा और अच्छा लगे, इसकी लुक अच्छी आए। वैसे आपने ये मुझे ज़रूर बताना है कि ये जो मैंने लकड़ी पर कलर अप्लाई किया है, ये मुख्तलिफ कलर में होता तो ज़्यादा प्यारा लगता है, या एक ही कलर में अच्छा लग रहा है। तो ये कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है। आपने ये भी बताना है, अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें, आपकी राय से जो है मोटिवेशन होती है। तो अच्छा लगता है जब मेरी बहनें कमेंट से आगाह करती हैं, तो आप प्लीज़ अपने कमेंट से आगाह ज़रूर किया करें मुझे, कि आपको कोई भी चीज़ जो मैं बनाती हूँ वो कैसी लगती है, और उसमें किसी चीज़ की कमी बेशी होती है तो मुझे क्या करना चाहिए। लो जी, हमारा मिरर रेडी हो गया, देख लें कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है, अच्छी सी वॉल डेकोर पीस रेडी हो गया है। तो आप भी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, हाँ, और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना आपने। ठीक है ना, जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाना है, ढेरों सारे लाइक्स देने हैं। अल्लाह हाफिज़।